और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ये बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है, ये बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदु, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज द मैजिस्ट्री ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इसका इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को इरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम यह सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीन कर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा, द मेजॉरिटी इन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच हेल्ड
that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi. हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिपेक्ष में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर इसके बाद यह बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीनकर ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल जिस पे सरकारें चलती हैं इस देश में उसे ध्वस्त करता है। और आखिरी बिंदु संवैधानिक अपराध का, ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार तार करता है सर। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि अफसर अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, मंत्रियों की नहीं सुनेगा। अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, तो वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। क्या लोग जानते हैं उपराज्यपाल कहां रहता है, उपराज्यपाल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा, उपराज्यपाल ने कौन सा चुनाव जीता? लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकालकर उपराज्यपाल को देता है। यह आगे कहता है सर ये बिल कि हम एलजी को सोल डिस्क्रिप्शन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपर सीडिंग पावर देता है। आगे सर यह बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। यह कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर यह बिल अथॉरिटी कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रात इंदौर साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से, मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा। सर बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि यह धर्म धर्म की लड़ाई है, मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें, और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। उस समय कौरवों का एक भाई युयुत्सु
कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। मैं उसी बात का जिक्र करते हुए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल, अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव ही ना कराएं, चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सस्मित पात्रा। थैंक यू। 12 मिनट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द बीजू जनता दल। Sir, speaking on this bill in the Lok Sabha, our party's senior member of parliament and leader of the BJP parliamentary party in Lok Sabha, Shri Pinaki Mishra ji, has already made our stand very clear and has made it very eloquently and succinctly expressed that the Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same and the fact that BJP is our principal opposition party. I reiterate and place on record that we are equidistant from the BJP and the Congress, and our principal opposition party in Odisha is the BJP. Our stand today does not change anything in that regard. Sir, BJP is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the parliament's power to enact legislations and the parliament's legislative competence to such matters. Sir, I need your protection, sir. You can imagine the kind of ruckus being made. I should be heard. 4.5 crore people in Odisha want to hear, whether people here want to hear or not. Honorable members, please keep calm. Thank you, sir. Sir, in July 4, 2018, the Supreme Court judgment in its civil appeal has very clearly said on पैरा 277, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेफर कर रहा हूं, 2018 जुलाई 4, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ सिविल अपील 2357 सेज, हाउएवर इफ द पार्लियामेंट मेक्स लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स फॉलिंग इन द स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट, दिस इज रेफरिंग टू दिल्ली, द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट मस्ट कंफॉर्म टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है। तो ये पहला विषय है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं, व्हाई द पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू ब्रिंग समथिंग हियर। सेकंड, 11th मई 2023 सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इन सिविल अपील अगेन 2357 बाय जस्टिस चंद्रचूड, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस नरसिम्हा। पैरा 164 को मैं रेफर करना चाहता हूं, सबसेक्शन सी। What does the judgment say? In addition to the entries in list 1, Parliament has legislative competence, and I repeat, has the legislative competence over all matters in list 2 and list 3 in relation to NCTD, National Capital Territory of Delhi. तो ये दूसरा विषय है। 2018 के बारे में मैंने बोला, 11 मई 2023 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का उसको मैंने उल्लेख किया। अब मैं तीसरे विषय पर आता हूं, July 20, 2023, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आता है इन रिट पिटीशन 678 ऑफ 2023। ये आता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा का। एंड ऑन पेज 10 पैरा 17 ये जजमेंट क्या कहता है आखिरी पैराग्राफ में, और ये क्या विषय था मान्यवर? ये विषय था कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस जो है उसको जो है आप स्टे प्रोवाइड करें, सरकार को बोले कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस को वो कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट ना करें। दैट वाज द प्रेयर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट सेज, एंड आई कोट, आईए नंबर 13050 ऑफ 2023 सीकिंग अ स्टे ऑफ द एनसीटी ऑर्डिनेंस इज डिसमिस्ड। तो स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रेयर किया है एनसीटी ऑर्डिनेंस के बारे में उसको डिसमिस कर देता है। तो ये जो बार बार कहा जाता है that the legislative power does not exist because the matter is pending, that is on a separate matter, not on the matter dealing with July 20th, 2023. तो फिर constitution bench के पास जो matter गया है वो matter क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास मैटर दिल्ली एनसीटी का नहीं गया है, क्या है? व्हाट आर द कंटूर्स ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एनैक्ट द लॉ अंडर आर्टिकल 239(a)(7) एंड वेदर द पार्लियामेंट इन द एक्साइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर 239(a)(7) कैन एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ गवर्नेंस फॉर एनसीटी. सो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल स्पेसिफिकली इज नॉट बीन प्लेस्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. द पॉइंट्स ऑफ लॉ, जो द पॉइंट्स ऑफ लॉ है वो प्लेस किया गया है, यह स्पष्टता होनी चाहिए. देन आई कम टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान पे आता हूं. 2018 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला, 11 मई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला. अब मैं संविधान पे आता हूं. संविधान धारा आर्टिकल 239(a)(a) सब क्लॉज 3(b) क्या कहता है मान्यवर? नथिंग इन सब क्लॉज ए शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉस विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी और अ पार्ट देयरऑफ. तो पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार मिलता है कि अगर आप ऐसी कोई भी लॉज आती हैं तो पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैनॉट बी डेरोगेटेड, कैनॉट बी डिक्लाइंड, कैनॉट बी डाइल्यूटेड, कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पावर्स टू अंडरटेक देयर एक्टिविटी ऑन एनी मैटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, संविधान कहता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहेगा, दैट्स अ सेकेंडरी इशू. नाउ वी कम टू 239(a)(7a) and 7b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं आखिरी पड़ाव पे हूं. अब कहा जाता है कि वेदर द पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस. बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल दैट द पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू अंडरटेक सच एन एक्टिविटी उसके साथ है. सो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? 239(a)(a) आर्टिकल क्लॉज 7a and 7b. व्हाट डज 7a से? 7a कहता है पार्लियामेंट में by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters therein to or consequential thereto. iska matlab kya hai, saraj bata deta hu ki parliament ke paas tamam wo powers hain jisse ki 239aa jo ki delhi nct ke bare mein hai us par apne rules apne laws kar sakta hai. 7b, any such law as is referred to subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution. To jo baat aati hai bar bar constitution amendment ki, clause 7b bahut clearly samvidhan ka batata hai that this is not any changes in 239aa 7a and 7b ke tarhat is not considered as a constitution amendment, it can be undertaken. Manivar ab main aur 2-3 minute lunga main khatam karunga. So sir, this is a constitutional issue, this is a legislative issue, this is not a political one. This is an issue which is before the power of the parliament to legislate and its legislative competence. It's not about parties or governments. Sir, kisi ne kaha tha, ek bahut bade mahapurush ne, ek bahut bade leader ne, sarkare aayengi jayengi, partiyan banengi bigdengi, samvidhan rehna chahiye, is desh ka samvidhan, is desh ki soch rehni chahiye. Sir, with these words, and the matter is pending before the court, we would leave it at that. Let the Constitution bench come back to it, but that does not take away the legislative competence of the Parliament. We will continue our equidistant policy from both the BJP and the Congress, and Biju Janata Dal, led by our leader and Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, will continue to support the constitutional position and the Parliament's power to enact this piece of legislation. Thank you.